नमस्कार मित्रों, यथार्थ गीता की ये जो सीरीज है 11 11 श्लोक की, ये उन लोगों के लिए हैं जो समय नहीं दे पाते हैं गीता के लिए सुनने श्रवण करने के लिए। तो कोशिश ये की है कि उनके लिए ये गीता प्रस्तुत करें, यथार्थ गीता। यथार्थ गीता बड़े पुण्य से, बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो निवेदन है आप सभी से कि इस पुण्य का लाभ उठाएं, भगवान की स्ववाणी सुने, श्रवण करें और अपने आप को कृतार्थ करें, ऐसी विनती है। धन्यवाद। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति से भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है, भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वो तो अभय सत्ता है। भ्रम रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा। ये भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भवटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है, इसलिए उन्होंने भी घोषणा की। ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। तदनंतर अनेक शंख, नगारे, ढोल और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमय बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिनमें लेश मात्र कालिमा दोष नहीं है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महति स्यंदने, महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहां तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक,
शंख अलौकिक, ऋषि केश घोषणा भी अलौकिक, हृदय के सर्वस्व ज्ञाता से परे एक मात्र कृष्ण ने ब्रह्म पांच जन्य शंख बजाया, उससे संपर्क पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंच तन्मात्राओं शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रसों से समेट कर अपने जन भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहती हुई इंद्रियों को समेट कर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सदगुरु थे। शिष्यस्ते हम, भगवन मैं आपका शिष्य हूं। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करें, ये सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देव दत्तम धनंजय, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव जिसमें विरह वैराग्य अश्रुपात हो। गदगद गिरा नयन बह नीरा, रोमांच हो इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि ये सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारण्य कोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वो लगाव आपके हृदय में है जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। ये भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही वो प्रीति निहित है, इसीलिए भीम ने पौंड्र प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है किंतु प्रीति संचार के माध्यम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर, धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिरः सह युधिष्ठिरः, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वो है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यों ज्यों नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। हीरा जैसी स्वासा बातों में बीती जाए।
एक सत्संग तो वो है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। ये सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों ज्यों सत्य के सान्निध्य में सुरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा, मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। बाह्य मणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुम्हलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय करता है। आगे कहते हैं, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। काया रूपी काशी, पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है, तो परमेश्वासः परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम धन ईश धन वास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया संन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है, जिसे आपको पाना है, और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, संन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। धृष्टद्युम्न दृढ़ और अचल मन, तथा विराटः सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपद के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्य की है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है, तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी, इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी हैं, तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है, तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन,
इन सबने अलग अलग शंख बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है, भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़ा होकर अपना परिचय करा लेते हैं। सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र, आसुरी संपद, बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनह शनह क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदमाहमहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वजः वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका, ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी, इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहां कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सममान निरादर आदर ही, प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता है, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से ये वचन कहा, हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहां सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट सदगुरु से की गई प्रार्थना है, किस लिए खड़ा करें। यावदेतान् निरीक्षेहम् योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है,